अरे मम्मी मुबारक हो, लड़का हुआ है। थैंक यू बर्थडे पापा। वो भी फुला रही हो, देखो। ओह माय गॉड। शायद हर एक इंसान का ये सपना है। बहुत गलत हुआ है, इसकी मुझे उम्मीद भी नहीं थी। मतलब मैंने इतनी मेहनत करी। घर में है बहुत सारी खुशियों की लहर, क्योंकि कल है गोस्वामी साहब का जन्मदिन। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल विच इज आकांक्षा अनूप व्लॉग्स। नए घर में पहली बार जो है अनूप का पहला बर्थडे। अवसर पे मम्मी पापा तो मेरे साथ थे ही थे, लेकिन एक और जिनका आशीर्वाद चाहिए दादी भी हमारे साथ है। मेरे साथ है पलक, पीछे मम्मी भी है। कह रही मुझे मत लेना, मैं गंदी दिख रही हूँ। नई जगह है दोस्तों, कुछ समझ नहीं आ रहा हम कहाँ जा रहे हैं। बजट बहुत है, बजट की चिंता नहीं है। चाचा ने बोला है मेरे बर्थडे पे इस बार कोई फालतू खर्चा नहीं करना। बताओ अब फालतू क्या होता है, फालतू यही तो होता है जो हम करने जा रहे हैं। तो ले लिया मैंने लड्डू गोपाल जी के लिए वस्त्र। ये देखो, एक दो, ये दो कलर्स ना इनके पास नहीं थे। पलक बदतमीजी की हद होती है आपके। ना थोड़ी ले रही यार, ये बर्थडे में ये लगाएगी तू? कृषा के लिए। ये कितने का है? दे दो एक। कौन सा लिया? ये बच्चों वाली हरकत नहीं है। खुद क्या लिया है? चाय पत्ती लेने आई है, यहाँ दामाद का जन्मदिन है। ये चाय पत्ती, गुब्बारों के बिना सेलिब्रेशन अधूरा है, तो बलून्स ले लिए दो। और ब्रावा, और मैं यहीं से जो है केक खाना पसंद करती हूँ। सो गाइस, ये ले लिया हमने अनूप के लिए केक। ये मैडम कह रही है यहाँ मेरी एक फोटो ले दो, इसको नहीं पता था यहाँ वीडियो ऑन हो जाएगी। सो जी, फाइनली जो लास्ट काम था वो भी हो गया। ये मेरी फेवरेट बेकरी है, जिस जिसने भी ट्राई नहीं किया, जोमेटो पे भी है, द ओब्रोमा। फूलों का, तारों का, सबका कहना है 1000 में। बस दोस्तों, बजने वाले हैं 12 और हम लोग इतने प्रिपेयर्ड हैं कि हमें ये नहीं पता है कि करे तो करे क्या, 12 तो बज गए हैं, क्या करना है अभी देखते हैं। तो बस दोस्तों 10 मिनट में हो जाएगा बर्थडे टू यू। सभी लोग जो है ना, मतलब मम्मी दादी कृषा सब जने यहाँ पे सोच चुके हैं। अब ये अच्छा लगेगा उठा के बोलूं हेलो मेरे पति का बर्थडे है, बाहर आ जाओ। हर साल होता है ये मैं ओवर एक्साइटेड होती हूँ। सुनो, मैं ही होती हूँ इसके बर्थडे पे, इसको कुछ नहीं पड़ी होती। मैं ही ऐसे नाच रही होती हूँ 12 बजे, पूरे घर में घूम रही हूँ, 10 मिनट बचे हैं। कपड़े तो अच्छे पहन लेते हैं यार हम। अच्छा, एक्साइटेड हैं लेकिन आलसी भी हैं। दुख इस बात के कृषा सो गई है, गर्दी का पापा ये बहुत महंगा है, तो कह रहे हैं गुड़ की ढेरी लेकर आ गए हो। डे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। महंगा है, कल तक का। नींद में बच्चा केक खाता है। अभी हम ज्यादा नहीं दिखाएंगे क्योंकि कल का मेन केक का अवसर है, केक का आयोजन है। लेकिन कल जो है ना मेन कल है, और कल के लिए मैंने कुछ प्रिपरेशन करने की सोची तो है। देखो कल क्या होता है। भाई साहब, रात के बज रहे 1:15 और हो गई है बहुत तेज दमदोर घमघोर बारिश। गुड मॉर्निंग। ये क्या हो रहा है, ये कैसी भूखी नींद की हो दोनों? कब खाना ना मिला क्या? इस नए घर में आए हुए ना, मेरे ख्याल से हमें 2 या 3 महीने हो गए हैं, बट मैं छोले भटूरे की तलाश में थी। हमने पापा को कहा पापा सारे दिन बाहर चलते हैं, लेकिन पापा का एक ही डायलॉग होता है, अरे घर पे मैं ऐसा बना दूंगा, बाहर सब खत्म है। ठीक है, कैसे बिल्कुल सेठानी बन के टेबल के ऊपर ही बैठ गई है लड्डू गोपाल हमारी। यहाँ फोन आए जा रहे हैं, आया है अनूप की सिस्टर का फोन। पापा मुबारक हो, लड़का हुआ है। आपको भी। अरे मम्मी मुबारक हो, लड़का हुआ है। मुबारक हो, थैंक यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। अबे यहाँ ये तो लिख हैप्पी बर्थडे डैड। पापा कुछ तो लिखो, लिख रहे कोई पहचान तो होनी चाहिए मेरे आदमी। जय राम जी की। सही छापा मारियो कृष्ण, उंगली मार। जय माता दी, हैप्पी बर्थडे पापा। फाइनली जा रहे हैं हम लोग डेकोरेशन करने। बालकनी को जो है डेकोर करेंगे, मतलब हम सुनिश्चित करते हैं कि आपको ये पसंद आएगा। बर्थडे पापा, हैप्पी बर्थडे पापा। आज है संडे,
पति को कहीं जाना नहीं था, पति अंदर कमरे में किसी भी वक्त आके देख सकता है, बालकोनी में नहीं जाने देंगे उसको। पता भी नहीं है ना हम कर क्या रहे हैं, हमें खुद नहीं पता हम क्या कर रहे हैं। वो भी फुला रही हो, देखो वो फूला। ये जो तुम पापा के बर्थडे पे इतनी खुश हो रही हो ना, मम्मा के बर्थडे पे अगर कुछ नहीं किया तो बहुत पिटोगी। लाल सहजादे मुबारक हो, मुबारक हो। अरे तेरी। अब इसके बाद अलाउड नहीं है। खड़े हो तो खड़े हो जाओ, जाओ तो चले जाओ, बिल्कुल निकल जाओ। सांसे हिल रही है, ऐसा लग रहा है कि ये हिलेगा और उड़ेगा। सो गाइज मैं हो चुकी हूँ रेडी और अभी आपको अपना फुल लुक दिखाती हूँ। अभी नीचे पलक गई है तो वही शूट करेगी और फटाफट से बाहर देख ली तो मुझे क्या तैयारी करनी है। मैंने पहनी है एक ड्रेस, मैंने श्रग पहन लिया क्योंकि अभी सबके बीच में केक काटना है, इसलिए यहाँ पे बलून चिपकाने का संघर्ष। 5 बलून, ये है मेरा फाइनल डेकोरेशन और ये हमारा सामने का व्यू। हमारा मेन्यू है देखो, मेंस पे फोकस किया जाए। इसमें मेंस में हमारे पास भरवा टिंडे भी हैं। मैंने इयररिंग स्टाइल, इसका फ्लेवर का नाम हम भूल गए हैं बट कुछ अलग फ्लेवर है, जब हम खाएंगे तो हमें याद आएगा। केक का आदान प्रदान चल रहा है, इसी बीच अगर मैं वीडियो बनाती रही तो मेरे मुंह में नहीं जाएगा। आई होप ये छोटा सा एफर्ट उनको पसंद में आए। ऐसे भी मतलब कि हंसी आ रही है, पता नहीं क्यों आ रही है। ओह माय गॉड, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो ये सरप्राइज है। प्लीज बी सीटेड, मतलब मुझे इधर आने क्यों नहीं दिया जाए, मैं समझ नहीं पा रहा था। बैठो बैठो प्लीज प्लीज बी सीटेड। लग रहा है डेट पे आए हैं। सही में ये सबसे जबरदस्त है। ये सरप्राइज पे सरप्राइज। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर गोस्वामी साहब, हैप्पी बर्थडे टू यू। आपके लिए किसी और ने भी कुछ एक छोटा सा सरप्राइज प्लान किया है। ऐसे खर्चिए, ऐसे करो। मेरे को भी रोना आ रहा, मुझे क्यों आ रहा है पता नहीं, वो रो रहा है। थैंक यू कृष्ण। कृष्ण ऐसे एंट्री करी ना तो एकदम से रोना आ गया, आंसू आ गए। मतलब ये सपना है ना, तो ये इमोशनल चीज है। डैडा को चुप करा दो। थैंक यू।
शायद हर एक इंसान का ये सपना होता है। ये इसके छोटे छोटे हाथ और लेके आए। थैंक यू, थैंक यू। तुम्हारा सरप्राइज यूनिक होता है, शायद यही रीजन है कि कोई भी बाप अपनी बेटी से बहुत ज्यादा कनेक्टेड होता है। थैंक यू। मेरे को हटा रही है, आप हट जाओ। हेलो मैडम, इसके बाद तुम जाओगी अंदर। हेलो पुरेश का जिसने होस्ट किया है, होस्ट को कह रही अंदर जाओ। बताओ कह रही मैं काफी हूँ, भग गए यहाँ से। उठा ले अपनी। ये है कृष्ण का कार। बाय कर दो। बाय बाय गाइस। बाय बाय। वाह यार बड़ा ही अच्छा बच्चा है। यहाँ तक अच्छा लगा? मतलब मुझे खाना वाना कुछ नहीं चाहिए। ये सीन जो था ना, ये मुझे भी नहीं पता था कि इतना स्पेशल हो जाएगा, कि एक्चुअली आपसे पहले मैं रोने लग गई थी। मैं तो अभी अभी भी क्या हो गया? नहीं वो जब निकल के आई ना, थैंक यू इतना प्यारा गिफ्ट देने के लिए। मैम ये सीट कब से रिजर्व? सीट जो था मॉर्निंग से रिजर्व था। पॉज हो गया क्या? फिर आ गई तू कबाब में हड्डी? बच गया आ रही थी। फिर आ गई तू? फिर आ गई? प्लस में स्प्रिंग रोल चाहिए और पास्ता चाहिए, ठीक है? जाइए लेकर आ जाइए। यस प्लीज, दो मिनट में हाजिर होता है। ओके ले आइए, जाइए जाइए। मेरा सबसे 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 प्यारा बच्चा, मतलब ये है तो ये मेरे लिए तो ब्लेसिंग्स है, बाकियों के लिए पता नहीं। अनु कृषा के लिए इमोशनल हो सकता है, बट मैं पलक के लिए बहुत इमोशनल हूँ, क्योंकि एक्चुअल में अगर ये नहीं होगी ना तो मेरा कुछ भी काम नहीं हो पाएगा। गॉड ब्लेस यू मेरा बेटा। तो मैडम कैसा लगा टेस्ट? It's just, you know, amazing, outstanding, out of the world. कौन है? पापा। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। क्यों छोड़ दे रहे हैं आपको? अच्छा लेके जा। अरे ओ! ओ! ये क्या है? Guys, बहुत गलत हुआ है। इसकी मुझे उम्मीद भी नहीं थी, मतलब मैंने इतनी मेहनत करी और मैं यहाँ अकेली बैठी हूँ, क्योंकि उनकी बेटी उनको लेके जा चुकी है अंदर। हाँ उंगली पकड़ी, तीखा स्पाइसी हो गई। लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत मस्त है ना, बहुत बहुत। मैंने भी नहीं सोचा था, सारी दुबई वाली फीलिंग आ रही है मुझे। आप बताइए आपको क्या लेना है? और चाहिए शाही पनीर। आपको गरम करके चाहिए ये? बेबी तुमने कैसे जगह बुक किया है? 15 रुपए चार्जेस है, हमने प्रिंट आउट नहीं लिवाया बस। मेरी बीवी ने तो हमारा है, मेरा आपका जो वो छोटा शेफ है वो आगे हमारे चार गुब्बारे फोड़ के चलो। गुब्बारे भी हम परचेज करके लाए हैं, शेफ ने तोड़े तो क्या हो गया? कोई बात नहीं, हमारा सो ये आगे हमारा खाना फाइन। हमारे बलून छोड़ के चले गए। देख रहे हो कितनी तेज हवा चल रही है, वो बलून नीचे गए ना तो बच्चा उसको लेने के लिए भागा। सोनू इसको ऊपर भेज दे, बस बहुत सारे बलून्स हैं। तीन स्वीट डिश के साथ ही स्वीट सी नाइट को हम एंड करेंगे। हैप्पी बर्थडे अनूप गोस्वामी, और स्पेशल थैंक्स सभी लोगों को जितने भी लोगों ने कमेंट किया है,
जितने भी लोगों ने अनूप को विशेज दी हैं, चाहे वो यूट्यूब पे हो, चाहे वो इंस्टा पे हो, चाहे वो फेसबुक पे ही क्यों ना हो, सो थैंक यू सो मच। ये आपको बोलना चाहिए।